वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंटिटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नदी में क्या कर रहा हूँ। नदी में मैं लेके आया हूँ आज अपने साथ नई ब्रेजा को, और इसका एक शॉर्ट रिव्यू तो मैंने बनाया था ड्राइविंग का, और माइलेज टेस्ट भी करा था, लेकिन आज इसका मैं लॉन्ग रिव्यू बनाने वाला हूँ। इस गाड़ी को पहाड़ों पर चलाऊँगा, ऐसे टेरेंस, कच्चे टेरेंस, ऑफ रोडिंग पर चलाऊँगा इसको, और प्लेन में भी चलाऊँगा। मतलब इसको मैं आज 200 किलोमीटर चलाने वाला हूँ पहाड़ों पर, और 200 किलोमीटर चलाने में मुझे 8 से 9 घंटे लगेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और आपको सब कुछ बताऊंगा कि ऑफ रोडिंग पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब खराब रास्तों पे ऑब्वियसली पूरी ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि 4x4 नहीं है गाड़ी, बट उसके अलावा कैसा ये परफॉर्म कर रही है खराब रास्तों पे, अच्छे हाईवेज पे कैसा परफॉर्म कर रही है, और फुल ऑक्यूपेंसी के साथ 5 लोग इसमें बैठाऊंगा उसके बाद ये कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में जानेंगे। प्लस इसका माइलेज टेस्ट भी करेंगे कि माइलेज कितना दे रही है। टैंक टू टैंक वाला कर लिया था, इस बार सिर्फ MID से देखेंगे कि 200 किलोमीटर चलाने पर कितना माइलेज मिलता है, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था MID और रियल वर्ल्ड में पहले वाले वीडियो में। अगर वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ अभी सुबह हो रही है, रात होने तक इसको चलाऊंगा पूरा, क्योंकि करीब लग ही जाएगा 8-10 घंटे लग ही जाएंगे इसको चलाने में मुझे पूरा 200 किलोमीटर। तो इसका लाइट टेस्ट भी होगा अंत में कि इसका फोकस कितना अच्छा है कैसा है। तो इस गाड़ी का आज मतलब ए से लेके जेड तक आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या एंटिटी कार्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना भाई। अगर आने वाले समय पे आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ पूछना है कौन सी गाड़ी ली जाए कौन सी नहीं ली जाए, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलता हूँ गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे और इसको निकालता हूँ यहाँ से। सो गाइस, इस गाड़ी का जो पहला टेस्ट मैंने रखा है वो रखा है ऑफ रोडिंग का, और ये ऑफ रोडिंग नॉर्मल वाली ऑफ रोडिंग है, जो कि जैसे हमारी सड़कें जहाँ पे ख़राब होती हैं या रास्ते बन रहे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे मतलब नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी डामर नहीं है रोड में, कोई भी सब पूरी की पूरी मिट्टी है। तो ऐसी जगह पे इसको पहले हम टेस्ट करेंगे नंबर 1 पे, और उसमें जो है क्या फील करते हैं हमारे पैसेंजर्स उनसे भी पूछेंगे कि उनको कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है इसकी पावर का टेस्ट करेंगे, वैसे ही माइलेज का टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई में टेस्ट करेंगे कि ये किस तरीके से जो है चढ़ाई पे परफॉर्म कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी रास्ता खराब है थोड़ा, और सस्पेंशन का टेस्ट जो है 2 तरीके से होता है। देखिए मतलब टेस्ट करने का मतलब है कि कंफर्ट का टेस्ट कह सकता हूँ कि अंदर आपको झटके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये सारी चीज का जो टेस्ट है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है स्लो स्पीड पे, दूसरा होता है हाई स्पीड पे। तो अभी हम जो है इसको पहले स्लो स्पीड में टेस्ट कर रहे हैं, और स्लो स्पीड में जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। आपको कहीं से कहीं तक इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ गड्ढे से कोई आवाज आई, गड्ढे में गाड़ी गई, या अंदर गाड़ी के कोई कैबिन में साउंड है। एक तो इसका इंजन इतना रिफाइंड है तो ऐसा लगता है जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो। उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी यहाँ पर को हमें कुछ ऐसा झटका फील नहीं हो रहा है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की बॉडी भी काफ़ी मतलब मजबूत लग रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे स्विफ्ट हो गई, मारुति की दूसरी गाड़ियाँ जो आती हैं उनके अंदर जो है जब गड्ढों में जाती है तो ऐसा लगता है खोखली है, बट ये इसमें वेट फील हो रहा है कि गाड़ी में वेट है। फेज 1 हमने क्लियर कर लिया है, जो कि हमारा था इसका सस्पेंशन टेस्ट और कम्फर्ट टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो कम्फर्टेबल लगी गाड़ी। आपको कैसा लगा? आप पीछे बैठे थे तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे अच्छा फील हुआ, ऐसा पता नहीं चला कि रास्ते से हम आए और हाँ, यहाँ पहुँच गए, मतलब नदी में उतारने तक पता नहीं चला इसमें। तो यार देखो हर तरीके की ऑफ रोडिंग के लिए भी कैपेबल है। क्यों कैपेबल है उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब लो एंड जो पावर है ना इस पर वो बहुत तगड़ी मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी को। तो ये कहीं पर फंसने वाली नहीं है गाड़ी, मतलब खींचेगी सीधे। जैसे डीजल इंजन में आपको लैग मिलता है ना थोड़ा सा, या टर्बो इंजन में लैग मिलता है पहाड़ों पे, कि जो टर्बो गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा सा लैगी फील होती हैं शुरू में, इसमें उतनी तेज फील हो रही है। मतलब कभी गलती से अगर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेटर देता हूँ तो गाड़ी तुरंत उड़ने को तैयार है। हाँ, तो यहाँ पर कोई ऐसी जगहों पर फंसने का इसका कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस मुझे था कि मैं इसको उतार लूँगा नदी में और निकाल भी लूँगा आराम से। तो अब इसको निकालेंगे यहाँ से, और इसके बाद चलेंगे सीधे इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए कि चढ़ाई में कैसी पावर दे रही है हमें। वहाँ पर इसका टेस्ट करेंगे, माइलेज टेस्ट करेंगे। वीडियो पूरा देखना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अंधेरा होने तक, अभी सुबह हो रही है, अंधेरा होने तक बनाऊंगा। आपको इसकी लाइट का परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब जो है मैंने इसमें स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली है, और बढ़ाने के बाद भी जो है हमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। आप सामने देखेंगे कि हम सारी गाड़ियों से जो है पास लेते हुए चलेंगे, जैसे हमारे सामने गाड़ी चल रही है, और तेज स्पीड मैंने कर ली है। सामने आप रास्ता भी देखें कितना खराब है, खराब रास्ते में भी जो है ये काफी सही परफॉर्म कर रही है। मतलब ऐसी कोई साउंड नहीं है कि मुझे लगे कि यार कि मजा नहीं आ रहा है गाड़ी में। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद, और दिनों के बाद भी नहीं कहूंगा, महीनों के बाद जो है आज हमारे कैमरामैन जो है वो आगे आ गई है, कैमरा वुमेन कहूंगा। और जो लोग पहले से जुड़े हैं चैनल पे वो जानते होंगे कि ये कौन है, और ये है नेहा दा
ट्रेवलर। तो एनटीटी का फुल फॉर्म यही है और साथ में हाय एरोन भी आ गए हैं। तो आपको कैसा लगा, आपने भी ये गाड़ी चलाई, तो चलाने के बाद आपको कैसा लगा ब्रिजा? जब मैंने ये गाड़ी चलाई तो मुझे मतलब इसमें इतना रिलीफ हुआ, क्योंकि जैसे हम जाते हैं गाड़ी चलाते हैं और हमें गियर शिफ्ट बार बार करने पड़ते हैं, तो इसमें मैंने बहुत ही कम गियर, मतलब आप लगाई नहीं, एक ही बराबर मैंने गियर शिफ्ट किए। थर्ड में अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे इसमें सेकंड गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही उठ जा रही है, अपना आप ही चलते रह रही है। मतलब कि जैसे नेक्सॉन में आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं और थोड़ा सा मुझे मतलब मोड़ों में दिक्कत होती है जो इसमें नहीं है। तो एक रिव्यू गाइड आप लोगों के लिए, एक जो है वुमेन जो अगर गाड़ियां चलाती हैं तो उनके लिए भी है कि ईज ऑफ ड्राइव किसमें है। मतलब ब्रिजा में तो बहुत अच्छी ईज ऑफ ड्राइव है, लेकिन नेक्सॉन में थोड़ी टफ ड्राइव है लेडीज के लिए। लेडीज के लिए दिक्कत होती है थोड़ी बहुत पहाड़ों पे, खास करके हाईवे में तो एक सही रहता है। तो ये था नेहा द ट्रेवलर का रिव्यू काफी महीनों बाद, कि उनको कैसी लगी ब्रिजा। और अभी हम रुके हैं यहाँ पे, लगा है लंबा सा जाम, इसलिए जो है रुक गए हैं, आधा घंटा हो गया रुकते रुकते, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक घंटे का तो है, बहुत लंबा, 1.5 किलोमीटर का तो जाम ही है। उसके बाद खुलेगा, कब पहुंचेंगे? और जैसे ही तुमने कहा कि कब खुलेगा, खुल गया। तो चले भैया, मिलते हैं आपसे आगे, अभी बहुत कुछ बचा है, वीडियो पे बने रहना। अब सामने देखेंगे चढ़ाई है, रास्ता सही है, चढ़ाई है, अगर सामने कैमरामैन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चढ़ाई है और गाड़ी चढ़ते जा रही है, और चढ़ के कौन सी स्पीड पे रही है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। 80 की स्पीड पे चढ़ रही है गाड़ी, 80 की स्पीड पे चढ़ रही है गाड़ी, आप समझ सकते हैं। पांचवा गियर है, चढ़ाई थी, मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ, ठीक है, आराम से जो है ये गाड़ी चढ़ती है। और आपको सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं कि इसमें आपको बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आप लॉन्ग ड्राइव में चल रहे हैं, आपने गियर डाल दिया तो आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना एक्सीलेटर और ब्रेक से गाड़ी को चलाते रहें। इनफैक्ट ये कहूंगा कि ये ऑटोमेटिक ही बन जा रही है उसके बाद, आपको जो है टॉर्क कन्वर्टर अगर आपने इसमें पैसे खर्च नहीं करे हैं तो आपको उसकी कमी फील नहीं होगी, आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 30 की स्पीड में हूँ, सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ 30 की स्पीड पे, गियर अभी भी पांचवा ही है, गियर अभी भी पांचवा है, और ये गाड़ी कोई भी ऐसा फील नहीं करा रही कि गाड़ी में लैग है। 30 की स्पीड मतलब 25 तक आ गया था मैं, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे गियर चेंज करना चाहिए, स्टिल मैं दोबारा से पांचवा गियर मेरे को शिफ्ट नहीं करना पड़ा कि चौथे में डालूं या तीसरे में डालूं, उसी गियर पे गाड़ी आ रही है और उसने 60 पे पहुंच गई है। तो इसकी जो रेंज है ना ये काफी अच्छी है, मतलब आप 20 पे भी पांचवे गियर पे हो, आप 60 पे भी पांचवे गियर पे हो, आप 40 पे भी पांचवे गियर पे हो, आप 80 90 100 में भी पांचवे गियर पे हो, ये काफी अच्छी चीज है इसकी। अच्छा, अब ये तो तारीफों के पुल हो गए, पुलिंदे हो गए, लेकिन एक कमी बता देता हूँ, छठे गियर की कमी मुझे महसूस हो रही है कि जब इतनी लंबी रेंज दे दी है पांचवें गियर की कि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना है, तो छठा गियर जब आप 80-100 पे पहुंच रहे हैं तब थोड़ा सा आपको फील हो रहा है कि ब्रेक मार दिए थे ट्रक वाले ने मेरे सामने अचानक, तब थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार छठा गियर होता तो ये जो है और अच्छा सा फील होता और माइलेज भी इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता। ये जो आ जाते हैं पीछे से, इनको जरा देखिए, ये बागेश्वर टू अल्मोड़ा, इसका नंबर भी दिखाओ जरा, ऐसे टैक्सी वालों के साथ सफर ना करें। ये है देखो, ये मतलब हम 2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, अपनी लाइन में चलते जा रहे हैं, इसको अनोखी जल्दी हो रही है। बागेश्वर टू हल्द्वानी लिखा हुआ है इसमें, मतलब बाकी लोग बेवकूफ है जो खड़े हैं अपनी लाइन में, ये आए हैं पीछे से और आके सीधे इंडिकेटर डाल के यहाँ डाल दी इन्होंने गाड़ी, अब ये फिर निकलेंगे लाइन से, ये महाराजा है। अब हमें मिल चुकी है चढ़ाई और रास्ता थोड़ा सा जो है अब इंक्लाइन होगा, करीब 7-8 किलोमीटर तक जो है ऊपर को चढ़ते रहेंगे हम लोग। तो आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको टेस्ट कैसे करना है, कभी भी किसी गाड़ी को ना बहुत ज्यादा रेव करके, हाँ बहुत अच्छा भाग रही है, वो चीज टेस्ट नहीं करनी होती है। देखिए उसका लो एंड चेक करो, सबसे मेन क्या होता है कि आपने रेस छोड़ दी है, आप किस गियर में है और गाड़ी उठ रही है कि नहीं उठ रही है, अगर आपको पावर चेक करनी है तो इस तरीके से चेक होती है, कितनी देर कौन सी गाड़ी किस गियर में कांस्टेंट चल सकती है। बार बार लैग फील हो रहा है गाड़ी में तो उसका इंजन जो है उतना पावरफुल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहा है तो उसको देखेगा तो इस तरीके से अगर चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी में दम कितना है। तो इसीलिए मैं गाड़ी को भगा नहीं रहा हूँ, मैं अभी चेक कर रहा हूँ खाली बस किस तरीके से लैग कितना है गाड़ी में। मैं 10 की स्पीड में आ गया हूँ, गियर तीसरा पड़ा हुआ है गाड़ी में, ठीक है गाड़ी लेकिन 10 की स्पीड में भी तीसरे गियर में से दूसरा गियर नहीं मांग रही है, गाड़ी चल जा रही है उसी में चढ़ाई पे भी। तो इस वजह से जो है ब्रिजा का बिकने का जो सबसे अच्छा कारण है और जो गाड़ी को अच्छा मानते हैं वो ये कॉज है इसका सबसे ज़्यादा।
और यही इसका बाकी गाड़ियों से डिफरेंस भी है। सामने आप देखेंगे तो आपको साफ दिख सकता है कि ढलान आ चुकी है, चढ़ाई भी चढ़ ली है, ऑफ रोड भी हो गया है। ढलान पे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको पहाड़ पे अच्छा माइलेज निकालना है तो आपको ढलान पे ही निकालना पड़ेगा, चढ़ाई पे तो माइलेज आता नहीं है। और अभी जो गाड़ी शो कर रही है वो कर रही है 12.2 का माइलेज शो कर रही है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी देर ढलान हो उसमें मैक्सिमम इसका माइलेज निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ढलान पे अच्छा माइलेज मिल जाता है पहाड़ों पे। मतलब अगर हम इंजन ब्रेकिंग में उतारे गाड़ी को, सपोज देखिए जैसे मैंने तीसरा गियर में रख ली है गाड़ी, मैं चौथा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इंजन ब्रेकिंग में उतार रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो है तेल की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। ईसीयू जो है वो काफ़ी कम जो है ऑयल की सप्लाई देता है, जिस वजह से जो है आपका तेल कम खर्च होता है, ठीक है, तो आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। आप आसानी से जो है पहाड़ में ढलान के समय अपना एक अच्छा माइलेज मेंटेन कर सकते हैं, जो कि आपने खोया है चढ़ाई पर चढ़ने पे। अब आज की सिचुएशन तो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि बहुत देर जाम में फंसे रहे, कई देर तक फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही थी क्लच और एक्सीलेटर पे, तो उसको हम अगर उसको भी लेते हैं तब भी हमें माइलेज अच्छा निकालने की अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो 12 का मिल रहा है तो काफ़ी कम है, आगे जाके देखते हैं अभी कितना होता है। थोड़ी सी बात मैं अगर करूँ इस गाड़ी पे, हल्का सा अगर थोड़ा सा वेट और दे देती मारुति स्टीयरिंग पे तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट इस पे और होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। बट ये है कि वो आपको थकाता नहीं है पहाड़ों पे, क्योंकि देखिए हर 10 मीटर बाद जो मोड़ है काटना ही पड़ रहा है, आप मुझे देख सकते हैं मैं स्टीयरिंग काट ही रहा हूँ, तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो तो दिक्कत करता है, तो पहाड़ों पर ये चीज़ काफ़ी सही रहती है। आपको थोड़ा सा ये है कि हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है इस वजह से, बट क्या कर सकते हैं, कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा सा इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको हाई स्पीड में, बट हाँ थोड़ा सा वेट और होता तो सही रहता। बाकी अगर मैं क्लच की बात करूँ तो क्लच काफ़ी स्मूथ मुझे लग रहा है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो रही है घुटनों में दर्द हो रहा है या हैवी हो रहा है, बहुत ही लाइट है, आराम से जो है लग रहा है, और गियर तो है ही अपने स्मूथ है। तो ऐसी टेक्निकल पॉइंट में मैं कोई भी इसके नंबर नहीं काट सकता हूँ, मतलब इंजन वाइज कहें, अगर हम इसका क्लच कहें, गियर बॉक्स कहें, थोड़ा सा स्टीयरिंग जो कि मारुति की गाड़ी में रहता ही है सभी को पता है, उस पर मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। बट हर गाड़ी पे आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती है, ये देखिए हर गाड़ी की अपनी अपनी कमियाँ हैं, किसी में आपको स्टीयरिंग अच्छा मिलेगा तो आपको पावर नहीं मिलेगी, किसी में आपको पावर मिलेगी तो आपको क्या कहते हैं माइलेज नहीं मिलेगा, तो परफेक्ट कार होना बड़ा मुश्किल है, और जो अधिकतर आपकी नीड्स पे खरी उतरे वो यही गाड़ी है इस टाइम पे। अगर हम इंडियन कार मार्केट की बात करें तो ब्रिजा ही है वो गाड़ी जिसमें जो आपकी हर नीड पे जो है खरी उतरती है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कहें वो आपको इसमें मिलेगा, अगर माइलेज की बात कहें ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है, पावर की बात कहें पावर तो सबसे बेस्ट है, इंजन अगर मैं बात करूँ इंजन डिपार्टमेंट में तो सबसे बेस्ट है इसका इंजन, और इस सेगमेंट की गाड़ी कोई भी ले लीजिए आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे बेस्ट है, इवन इससे ऊपर वाली भी, जैसे एक्सयूवी 300 का डीजल इंजन जो है वो क्रेटा को टक्कर देता है, ये इसका पेट्रोल इंजन आसानी से जो है क्रेटा सेल्टोस के जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड उसको टक्कर देता है, कहीं से कहीं तक उससे पीछे नहीं है, ज़्यादा ही होगा मुझे ऐसा लगता है। पावर में बहुत मज़ा आ रहा है, गाड़ी खींच के चल रही है बिल्कुल, अपर तो रेंज में थोड़ी सी लीनियर हो जाती है, वो उसका कारण ये है कि उसी वजह से जो है मारुति ने इसको इस तरीके से ट्यून करा है कि जो आपकी लोअर रेंज है वो आपको अच्छी मिल रही है, उसका एक कॉज ये है कि चढ़ाई हो चाहे कुछ हो उसका कॉज ये है कि जो ऊपर रेंज में लीनियर हो जाती है। और हम चलाते कितने हैं हायर, 100 से ऊपर की स्पीड में हम चलाते कितने हैं गाड़ी को, बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब हम 100 से ऊपर जाते हैं, और जाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो 86 किलोमीटर जो है मैंने गाड़ी चला ली है करीब, और 86 किलोमीटर पे ये माइलेज कितना शो कर रही है, माइलेज जो है ये शो कर रही है 15.7 का, तो 15.7 इतने किलोमीटर के लिए काफी सही है। अभी इसको हम और चलाएंगे अंत में, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 200 किलोमीटर के आसपास चलाने की कोशिश करूंगा या जितना भी होता है 180-190। बट अब मैं बात कर लेते हैं इसके थोड़े से नेगेटिव्स की, पॉजिटिव तो मैंने आपको बताए, नेगेटिव में देखिए मेरे को एक नेगेटिव तो जो लंबे लोग हैं उनके लिए इसमें लगा है कि इसमें थाई सपोर्ट बहुत कम है सीट में, थाई सपोर्ट में मतलब जो है अच्छे से बिल्कुल भी नहीं इसमें मेरे पैर आ पा रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा हवा में रह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है चलाने में। सीटिंग कंफर्ट थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, कुशनिंग और अच्छी हो सकती थी, सीट का साइज थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, मतलब कि जो थाई सपोर्ट है और वो सब मिलना चाहिए गाड़ी में। उसके अलावा जो है जैसा मैंने आपको बताया था चलाते समय भी कि स्टीयरिंग का जो थोड़ा सा फीडबैक कहें वो तो ठीक ही है, लेकिन जो वेट है थोड़ा सा बहुत लाइट स्टीयरिंग है जिस वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज
होता है जब अचानक से हम कट मारते हैं पहाड़ों में या पास लेते हैं, और थोड़ा सा जो है जो कंफर्ट स्टेबिलिटी, कहने का मतलब है कि जब गाड़ी में जो गड्ढे आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो गाड़ी थोड़ा सा ऐसे ऐसे रह रही है, थोड़ा सा मतलब दब के चलना जो है बहुत अच्छा है वैसे तो, इतना भी नहीं, बुरा नहीं कहूंगा मैं कंफर्ट को, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं तब फॉर एग्जांपल बहुत से नेक्सॉन वाले भाई आग गड़ाए बैठे होंगे अभी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कंफर्ट तो तुम्हें नेक्सॉन पे ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। हाँ, एक परफेक्ट गाड़ी हो सकती है जब नेक्सॉन की बॉडी में इसका इंजन फिट कर दे, तो मेरे हिसाब से टोयोटा से टाइप ना करके जो है मारुति अगर टाटा से टाइप कर लेती और उससे बॉडी लेती, उसका जो है स्ट्रक्चर पूरा लेती और इंजन अपना दे देती, तो बहुत एक परफेक्ट गाड़ी बन जाती, बहुत मजा आता उसको चलाने में। इसमें भी कमियां कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है, लेकिन नेक्सॉन भी परफेक्ट नहीं है, 300 भी परफेक्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। अब उस किस कमी से को आप नजरअंदाज करके गाड़ी लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस, कौन सी आपकी नीड है। जैसे मेरी नीड कंफर्ट ज्यादा है, तो इस वजह से मैं टाटा पे ज्यादा प्रिफर करता हूँ। बट बहुत से लोगों का एक अच्छा एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, एक बहुत अच्छा इंजन चाहिए होता है लोगों को, तो उनको जो है इस पे जाना चाहिए। और उसके अलावा जो है आप अपनी अपनी पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग गाड़ियों को ले सकते हैं, और उसके लिए मैं हुई जैसा मैंने बोला एनटीटी कार्स को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। और अब जो है अंत में मैं आपको मिलूंगा लास्ट में, जिस समय में हम अंधेरा हो जाएगा, इसके लाइट का थ्रो दिखाएंगे आपको, प्लस कंक्लूड करके बताऊंगा कितने किलोमीटर चली, कितना एवरेज दिया गाड़ी ने। सो गाइस, इस गाड़ी को करीब 12 घंटे तक मैंने चला लिया है, सुबह 9 बजे इसको पकड़ा था और अभी जो है रात के 9 बज रहे हैं और एक घंटे और चलाना है इसको, तो करीब 12 आवर्स तक इसको चलाने में जो माइलेज मुझे इसमें शो हो रहा है वो हो रहा है 13. ये देखो ट्रक वाले को देखो, साले को दबा नहीं रहा है, बिल्कुल रॉन्ग साइड आ रहा है, ठीक है, पास लेने के बाद भी अपनी सर्फ नहीं कट रहा है, रॉन्ग ही चलने में मुझे डरा रहा है, देखो वीडियो में वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा है तुम लोगों के लिए यार, देखो आप लोगों के लिए सॉरी। सो यहाँ पर को बात कर रहे थे हम माइलेज की, माइलेज करीब 13.8 का मुझे मिला है और 13.8 सही है माइलेज मेरे हिसाब से। अभी मैं MID में आपको दिखा भी दूंगा, क्योंकि दिन भर में जो है काफी डिफरेंट टेरेन्स पे ये गाड़ी चली है, इसमें जो है ऑफ रोड भी है और उसके बाद जाम बहुत ज्यादा है, जिस वजह से माइलेज थोड़ा सा गिरा है, कंटिन्यूस नहीं चल पाई है सही से, और सिटी भी थी। अब लाइट की बारी है, मैं सामने कहूंगा कैमरामैन से जरा इसका फोकस कीजिए, अभी सामने से गाड़ी भी आ रही है आप देख सकते हैं, लेकिन रोड मुझे अच्छी खासी विजिबल हो रही है, सामने से ट्रक आ रहा है उसके बावजूद, अब ये चले जाएगा तब आप देखेंगे तो और बिल्कुल इसका फोकस आपको पता चलेगा किस तरीके का है, जबकि अभी बिल्कुल स्टॉक बल्ब्स हैं, ये कंपनी से आए हुए बल्ब्स हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रखी है हमने अभी तक, लेकिन साफ दिख रही है रोड इस टाइम पे, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तब। लेकिन जैसे ही कॉर्निंग की बात आ रही है, क्योंकि ये VXI मॉडल है, इसमें फॉग लैंप नहीं लगे हुए हैं अभी, कॉर्निंग में जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी हल्की सी कम हो रही है, जो लेफ्ट कॉर्नर है वो विजिबल कम हो रहा है टर्न काटने पर, तो कॉर्निंग के लिए जो है थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करना मानता है कि थोड़ा सा साफ लाइट हो जाए, अदरवाइज यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक बल्ब्स भी काफी अच्छी है, अगर इसमें थोड़े से अच्छी क्वालिटी के फिलिप्स के या ओसराम के बल्ब्स लगा दिए जाए, जो कि नाइट विजन बल्ब्स होते हैं, फिलिप्स रैली या आपका जो व्हाइट लाइट आती है थोड़ी सी उसमें, वो अगर लगा दिए जाए तो ये और अच्छी इसमें जो है रोशनी हो जाएगी, काफी साफ विजिबिलिटी आपको मिलेगी, और बाकी तो सब कुछ सिंपल है ही, आप देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से कितना इसमें दिख रहा है। तो गाइस ये था ब्रेजा 2022, नई वाली जो ब्रिजा हम कहते हैं, उसका लॉन्ग ड्राइव रिव्यू, मतलब कि 12 घंटे चलाना और पूरी चीजें एक एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी है आज दिन भर में, तो काफी मेहनत लगी है, इसलिए अगर वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए NTT कार्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय। बाय बाय इसलिए कर रहा हूँ कि घर जल्दी जाना है और साथ में पत्थर भी गिर रहे हैं रोड पे, आप देख सकते हैं, तो चलते हैं, चलिए।